गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। चुनाव पर चर्चा, किसकी बनेगी सरकार। गाजीपुर के जखनिया विधानसभा के अंतर्गत लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करके विकास के बारे में जायजा लिया गया कि 2022 में आने वाले चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। लोगों ने बताया कि आने वाले 2022 में फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। कुछ दलित लोगों से जनसंपर्क करते हुए चुनावी यात्रा में कि उन्होंने बताया कि हम लोग को बिजली, आवास और राशन कार्ड इस सरकार में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए हम इस सरकार को फिर से एक बार 2022 में बनाने का संकल्प ले लिया है। आइए मिलते हैं आनंद कुमार की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? रामूर्ति बासपुर, बासपुर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। आप जो है कि जब गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, अन्य बिरादरियों को कैसे वोटिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हमको जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करें हैं लोग? जी देखिए, अपील प्रेम के साथ मैं कहूँगा जी, ये दबे कुचले लोग, ये क्या धरकार हो, बनवासी हो या बर्बादपुर हो, ये बहुत पहले से अब तक गांव सभा का टिकट नहीं मिलता था जी। वो तो आरक्षण के तहत आ गया कि चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे संसदीय हो, आरक्षण के तहत। नहीं तो एक ग्राम सभा का मेंबर तक ले जो है इस समाज को, दबे कुचले लोगों को कोई बनाता नहीं था। आज मिला है टिकट तो देखिए, हमारे बाप दादा आजा परपाजा ने बहुत पहले से, सदियों से, जब से ये धरती कायम है, वोट देते आए हैं, किसी से वोट मांगे नहीं, खड़ा ही नहीं हुए तो मांगेंगे कैसे, न उनको खड़ा किया गया। तो ये सबको, ये सबसे वोट देते आए हैं सभी लोगों को। आज वो भीख के तौर पर अपना कर्जा मांगेंगे, आज अपना कर्जा मांगेंगे, चाहे वो बाबू साहब हो, पंडित जी हो, यादव जी हो, चमार हो, धरकार हो, चाहे जो भी हो, उनसे कहेंगे, अपील करेंगे कि साहब देखिए, हमारे बाप दादाओं ने, आजाओं ने वोट सदियों से देते चले आए हैं, एक मेरे एक दलित समाज को, गरीब समाज को वोट आज बारी आ गई है, जो हमने, हमारे दादा परपाजा, हमारे लोगों ने वोट दिया है, भीख के तौर पर हमें वो कर्जा वापस कर दीजिए, हमारे राम राज बनवासी को जिता दीजिए, चाहे दलित समाज को जिताइए। आपके कहने के अनुसार ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, आज तक बनवासी समाज को टिकट नहीं मिला, लेकिन आज टिकट मिला है राम राज बनवासी को, तो कैसा माहौल है ग्राम सभा में? गांव सभा में देखिए, वहाँ भी ये परजुनिया है ना, हर घर में जाते हैं, चाहे बागपुर हो चाहे बनवासी है, ये हर लोगों के परजुनिया है, किसी का खेत जोतते हैं, किसी का लहना पानी करते हैं। और मैंने बताया ना, योगी सरकार ने तो बहुत प्रथम वरीयता दिया है, वरीयता दिया है तो ये वोट मांगेंगे। और क्षेत्र का माहौल कैसा है इस समय? क्षेत्र का माहौल बहुत बढ़िया है भैया। क्या बीजेपी को लाइक करते हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल लाइक कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार कैसी थी? अखिलेश की सरकार देखिए भाई, कहने का मतलब ये कि अखिलेश की सरकार जो भी कुछ करे, लेकिन हमारे आज ये दुनिया जब से कायम है, बागपुर धरकार इस धरती पर थे कि नहीं थे, वनवासी थे, कोई गया पूछने कि भाई किस तरह से रहते हो, तुमको खाने के मिलता है कि नहीं? अखिलेश सरकार तो दावा कर रही है कि मैं, क्या नाम है आपका? बिरजू पुजारी प्यारे से। प्यारेपुर के रहने वाले आप जी? तो इस जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, यह किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे? हम लोग उसके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं हम 300 से ऊपर जा रहे हैं? नहीं, हम लोग उसके साथ हैं। रामराज बनवासी को जो टिकट मिला हुआ है उसके साथ में हम बांसपोर हैं, हम लोग 25-30 हज़ार वोट तक लेकर उसके साथ रहेंगे। यानी कि बीजेपी की सत्ता बना लेंगे आप लोग? जी हम लोग बना लेंगे, सत्ता में पहुंचा देंगे आप लोग? जी बना पहुंचा देंगे। प्रधानमंत्री की आवास जो योजना आई थी उसमें आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला है सर। बिजली घर पे आती है? जी आती है। पेयजल का सिस्टम आपके यहाँ है कि नहीं? हाँ जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति बासपुर है। आप कहाँ से आए? दुर्गापुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, बड़ा गाँव सदुल्लपुर, बड़ा गांव से आप। अच्छा, विधानसभा चुनाव में क्या आप किसको चुनना चाहते हैं? देखिए, किसकी सरकार बनाएंगे आप चुनाव में? जी आज सदियों से जो है इस गरीब समाज को कोई पूछने वाला नहीं था, बनवासी हैं, बनटांगियां हैं, बागपुर हैं, धरकार हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार जो जब से आई है,
इस गरीब समाज के लिए उजागर करने का, जैसे बासखोर बिरादरी को कोई नहीं जानता था और ये बनवासी समाज को कोई नहीं जानता था, लेकिन जो है ये भाजपा सरकार में हमारे यहाँ गाजीपुर ज़िले में मनोज सिन्हा जी जो है पूर्व रेल मंत्री हुआ करते थे, सांसद थे, उन्होंने इस समाज को दबे कुचले समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं। अभी जो है हमको टिकट भी दिया गया था भाजपा से, वो क्या बोलते हैं हम जिला पंचायत का मनिहारी प्रथम से, ये राष्ट्रीय पार्टी और इस गरीब समाज को तमाम सुविधा मिल रही है। अभी जो है ये राशन जो है इस ये भूमिहीन है, बासखोर समाज एकदम बिल्कुल भूमिहीन है, उनको जो है उनका रोजी रोटी भी बांस के अभाव में खत्म हो गया है, लेकिन ये सरकार की मदद जो एक महीने में दो बार राशन मिल रहा है, यदि वो नहीं मिलता तो भूखे ये मर जाते। इनके पास झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं सड़क किनारे, लेकिन कुछ लोगों को जमीन देने का भी काम हुआ है, बहुत जगह पर जमीन मिल रही है उनको आवास बनाने के लिए, कुछ आवास जो है मिला भी है, अभी पूर्ण रूप से नहीं मिला है लेकिन मिला है। अभी बहुत हमारे बासखोर समाज के लोग जमीन उनके पास घरोही के अलावा कोई जमीन नहीं है। अच्छा, आपकी बिरादरी संख्या कितनी है बासखोर समाज की? देखिए पूर्वांचल के हर एक जिले में 40,000 50,000 लाखों लाखों की संख्या जो है बासखोर बिरादरी की है। आपके गाजीपुर क्या नाम है आपका? उषा बनवासी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? अलीपुर मगरा, ये जखनिया विधानसभा। आप जखनिया विधानसभा से लड़ने वाली हैं। अच्छा ये बताइए कि जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं दी गई थी बनवासियों के लिए, तो उसमें आप लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला? हम लोगों को इस समय 90% लाभ बनवासियों को मिला। कौन सा लाभ मिला आप लोगों को? जैसे कि पहले बनवासी जो थे झोपड़ियों में रहते थे जी, अब इस समय हर एक बनवासी बस्ती में पक्का मकान बन गया है प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत। और जो कि पेंशन था ये अब सुलभ हो रहा है उन लोगों को, और जो था उजाला के तहत बहुत लाभ मिला है, हर एक गांव में हर एक उजाला गैस मिला है, और जो बिजली हम लोगों के यहाँ जो बनवासी बस्ती थी वहाँ नहीं थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई तब से वहाँ पर बिजली हो गई है, अब हम लोगों की बिजली की सुविधा अच्छा से मिल रहा है। दवा के लिए और दवा के लिए भी बहुत काम होता है इसमें बनवासियों के लिए, जो अति दलित अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए ही काम होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र नाला। आप कहाँ के हैं? नोनाड़ा से आप हैं। अच्छा, जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जखनिया से नवनिर्वाचित प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं भाजपा से, क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे के परिवार से हैं और गरीब परिवार से हैं, और सबका मदद घर घर जा कर करते हैं, और इस सरकार में भी कुछ हाथ बटाते हैं आ रहे हैं, इसलिए इनको टिकट मिला है लड़ने के लिए, और इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे लगातार देख रहे हैं हम कि लोग कह रहे हैं कि नहीं गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं रामराज बनवासी जी, क्या यह सचमुच सही है? सही है सर, बोला नहीं कोई तैयार नहीं है, इसलिए हम हर गांव में हर बस्ती में जाते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम राणा प्रताप बनवासी है जी। कहाँ रहने वाले? हम गाजीपुर बहादुर के रहने वाले हैं। अच्छा, जखनिया विधानसभा में ही पड़ता है, और हम लोग जो है कि अपना नेता जो है कि रामराज बनवासी जी को चुने हुए हैं। इस बार जो है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जो है कि पहली बार भाजपा पार्टी ने जो है कि रामराज बनवासी को यहाँ से टिकट दिया है, जबकि वो 40 वर्षों से जो है कि गरीब की झोपड़ियों में सेवा करते आ रहे हैं, और जो है कि हम इतना अधिक पढ़े लिखे हैं, MA BEd किए हुए हैं, उस 40 वर्ष पहले किए हुए हैं, और जो है कि न्याय विभाग में जो है कि 40 वर्षों से सेवा करते हुए भी गरीबों की सेवा किए हुए। क्या इसके पहले रामराज बनवासी जी राजनीतिक दल में थे? जी नहीं, लेकिन गरीबों की जो है कि सहायता करते रहते थे, समाज सेवा करते रहते थे, अपना नौकरी करते हुए जो है कि समाजों के बीच में जो है कि गरीबों को उत्थान के लिए, सुई के लिए, दवा के लिए, मकान के लिए लड़ाई लड़ते रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार बासखोर है।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुस्तफा बहादुर बड़ा गांव दुल्लपुर थाने का अंतर्गत रहने वाले हैं। तो हमारा जखनिया विधानसभा है। तो जो प्रत्याशी को लोग बता रहे हैं रामराज जी को, क्या आप लोग प्रत्याशी अच्छे दिख रहे हैं? जी, हम लोग को वनवासी जी आज 40 वर्षों से शिक्षित थे और समाज का सेवा करते हैं। हम लोग बासफोर समाज में भी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको हम लोग आगे बढ़ने के लिए पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हमारी हर विधानसभा में 20 से 25 बासफोर की वोटिंग है, जो हम वनवासी जी के साथ रहेंगे और मिलजुल करके अपना कदम से कदम मिलाकर हम वनवासी जी का साथ देंगे। क्या नाम है आपका? वनवासी अध्यक्ष हूँ बासफोर समाज का जी। और मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे बासफोर समाज के पूर्वांचल के हर एक जिला जो है रामूर्ति बासफोर को जानता है, चाहे वो धरकार हो, बासफोर हो, बेमानसी हो, चाहे कश्यप हो, ये अपना नेता मुझे मानते हैं और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे साथ पूरा जो है पूर्वांचल। बासफोर चुनाव किसके साथ आप रहेंगे जी? इस चुनाव में किसके साथ आप लोग रहेंगे? मैं भाजपा के साथ, ये वनवासी जी को मिला है। ये आज ले कोई पार्टी जो है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अब सवर्णों की पार्टी कही जाती थी ये भाजपा के लोग, लेकिन आज एक मिसाल पैदा हो गया कि वनवासी समाज को जो कोई नहीं जानता था, भाजपा ने ये सरकार में टिकट दे करके इतना बड़ा उत्साहित किया हमारे दलित समाज के लिए, तो मैं क्यों नहीं उसको तुम मानूंगा। भाजपा के साथ में रहेंगे और ये दलित समाज पूरा दलित समाज रहेगा और दलित समाज जो है पूरा ये वोट देगा वनवासी को। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि ये ऐलान करके कह रहा हूँ कि ये वनवासी समाज, चाहे धरकार समाज, बासफोर समाज जो है, मैं पूर्वांचल को ललकार रहा हूँ पूरा। ये मुझे जानते हैं सभी लोग कि रामूर्ति बासफोर जो है कि जहाँ दलितों के साथ रहते हैं, मैं सेवा भी करता हूँ शिक्षित बनाने के लिए। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे रहते हैं। प्रधानमंत्री चुनावी माहौल में बोले थे कि प्रत्येक व्यक्ति को खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, 15-15 लाख तो नहीं, लेकिन हम कहने का मतलब गरीब समाज के लिए, जैसे कह जा रहा कि सीआर के अंगरिये भला, तो हम कहते कि बहन बेटियों के वो जो जनधन खाता खोले थे, कम से कम तो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया उन लोगों को बोला बारी बारी से आया। आज किसान की निधि मिल रही है, पेंशन मिल रहा है, वो ई श्रम कार्ड खोले हैं, उसके माध्यम से तो भी तो आ रहा है ना। आ दूसरी चीज, उसके माध्यम में कहने का मतलब 15 लाख देंगे कैसे? बड़े बड़े धनवान जो हैं, कई कई करोड़ रुपया उनके खाथू में मिल रहा है, बिल्डिंग में मिल रहा है, अलमारी खोल कर देखा गया पेपर वाले ने, आप ही लोगों ने निकाला था ना, उसके पूरा गड्डी का गड्डी जो है रुपया उसमें जो है पड़ा हुआ है, वो आता ये तुम्हें मैं सरकार के पास आता या चलता घूम में बैंक में आता, तो वो ये गरीब समाज का कल्याण होता कि नहीं होता? लेकिन ये सब बंद है। सारी योजनाएं आपको मिल जाती हैं आपके क्षेत्र में? लगभग लगभग मिलती है, योजनाएं मिलती हैं, जो कहीं जो जानकार नहीं है, जिनके पास कागजात नहीं है, वो जब कागजे नहीं है, जैसे हमारे समाज के लोग झुग्गी झोपड़ियों में सड़क के किनारे रहते हैं लोग, अब उनके पास राशन कार्ड है न, उनके पास कोई आधार कार्ड है न, वोटर लिस्ट में नाम है, तो कैसे पाएंगे? दिक्कत अभी तो होती है ना, कोई दे रहा है कोई देने वाला है, अभी पता ना देगा कि नहीं देगा, ये क्या मतलब है? पता ना देगा कि नहीं देगा, वो तो कहने के लिए चुनावी वादा। देखिए मैं भी एक नेता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो नेता हूँ ना, तो मैं भी तो जाकर कहता हूँ, अब तमाम जो है वादे करते हैं कि तुम्हारा घर बनवा देंगे, द्वार बनवा देंगे, हाई बना देंगे, वो दे देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को नौकरी दे देंगे, तमाम वादा करते हैं। तो ये इलेक्शन के बाद को छोड़े, जो कोई करके दिखा रहा है और कोई करने वाला भी अभी वादा कर रहा है, क्या मतलब है इससे? कभी जो है अभी जो है ये वादा करते थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर की ले लीजिए बात, जब उनके साथ में जब था तो कहते थे कि भाई हम जो है 4 जात मिल करके 5 बंटी मछली मारेंगे, तो सबका हिस्सा
मिलना चाहिए और देंगे और नहीं देंगे तो मारामारी होगी। आज जो है कि कहां वो गया, कहां वो नियम गया? आज जो है अब अपने जो है कि अपने लड़के को, अपने अपने बहू को, अपने क्या नाम है कि रिश्तेदार को, अपनी पत्नी को वोट कर रहे हैं। जब कहते थे कि नहीं मेरा आज न संसद बनूंगा, न विधायक बनूंगा, न राज्यसभा, कुछ नहीं, कोई की नहीं। प्रधानमंत्री का मतलब है? आपके कहने के अनुसार ये है कि नहीं, आप ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, उन्होंने एक बहुत पहले उन्होंने एक बात रखी थी कि जो सपा के साथ गठबंधन कर रहा है या सपा के साथ रहेगा तो अपने माई के साथ घात करी, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? इसके संबंध में कहने का मतलब कि वही अपना ऐसा किया और वही जाकर मिल रहे हैं, उनके क्या बातों का क्या मतलब है बताइए। वही गुंडा बनाते थे, वही बदमाश बनाते थे, और इसके पहले भी वो कहे थे कि नहीं हम जा रहे हैं, तुम गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा। क्या योगी लेकिन नहीं हुआ? जो योगी राज चल रहा है इस समय, योगी सरकार इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश में, क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? एकदम बिल्कुल सुरक्षित है, चल रही है, तुम जो है कि कोई मुद्दा नहीं है। अरे साहब कहने का मतलब कि क्राइम सबसे बड़ा ये दलितों में, जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता था आज वो बंद है, आज वो बंद है, नहीं तो बहुत अत्याचार होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज वो बंद है। सब बहन बेटियां क्या चल रही है, पढ़ लेगी हर चीज।